केंद्र की मोदी सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ अब आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी आज जंतर मंतर से संसद भवन तक रैली करेगी। अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, हालांकि वो संसद मार्च में शामिल नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी के अंदरूनी विवाद के बाद ये पहली बड़ी रैली है। पार्टी ने फैसला किया है कि संसद मार्च का कार्यक्रम जारी रहेगा, लेकिन जहां पुलिस उन्हें रोकेगी वहीं पर मार्च खत्म कर दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी की रैली और मार्च को देखते हुए पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी है। पुलिस ने साफ किया है कि जंतर मंतर से कहीं भी मार्च की इजाजत नहीं दी जाएगी। आम आदमी पार्टी की रैली और मार्च के मद्देनजर ज्यादा पुलिस बल की तैनाती की गई है। उनका जो ऑफिस जो उनके रिक्वेस्ट आई थी वो मार्च के लिए आई थी, तो उनके ऑर्गेनाइजर से बात हुई है, तो हमने बताया कि आप अपना जो है वो उस बात पे एग्री करे हैं ऑर्गेनाइजर जो है कि वो मार्च नहीं करेंगे और शांतिपूर्वक ये प्रोग्राम उनका रहेगा। कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो 5 साल में शायद 40-50% वादे ही पूरे कर सकेंगे। इन वादे इरादों के बीच बवाना में पानी के सवाल पर लोगों ने सिसोदिया का घेराव किया। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के उद्घाटन के मौके पर जमकर बवाल हुआ। नाराज लोग बोतल में गंदा पानी लेकर आए थे और मुख्यमंत्री केजरीवाल से बात करना चाहते थे। वो चाहते थे केजरीवाल और सिसोदिया उनकी बात सुने। विवाद बढ़ता देख केजरीवाल ने उनसे वादा किया कि 10 दिन में इलाके में साफ पानी मिलने लगेगा। जब सरकार बनी थी थोड़ी नर्वसनेस थी, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे, लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। ये जनता जो ऊपर चढ़ाती है 5 साल में जूते भी मारती है, तो कहीं 5 साल, लेकिन आज कॉन्फिडेंस है कि 5 साल के अंदर 100% नहीं तो कम से कम 40-50% तो हम लोग पूरा कर देंगे और ये कोई बुरा नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने कैबिनेट के दिग्गज मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, जिसमें भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर विपक्ष के तीखे तेवर के खिलाफ रणनीति पर चर्चा होगी। कांग्रेस समेत तमाम दूसरी पार्टियों ने भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर अपने तेवर दिखा दिए हैं। गुरुवार से राज्यसभा की कार्यवाही भी शुरू होगी, वहाँ विपक्ष का दबदबा है। ऐसे में मोदी सरकार के लिए दोहरी चुनौती है। विपक्ष को जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज अपने मंत्रियों के साथ ठोस रणनीति बनाएंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर प्रधानमंत्री मोदी ने चादर भेजी है। उनकी चादर लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी आज सुबह करीब 10 बजे अजमेर पहुंचेंगे और चादर चढ़ाएंगे। मंगलवार को नकवी ने ट्वीट कर बताया कि कल वे प्रधानमंत्री की चादर लेकर अजमेर शरीफ में ख्वाजा के दरबार में हाजिर होंगे। गरीब नवाज जो मुल्क की एक जहती के और पूरी दुनिया के लिए शांति और सौहार्द का संदेश जिन्होंने दिया जी। उनकी मज़ार पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कल हम चादर चढ़ाएंगे और एक संदेश भी उनकी तरफ से दिया गया है जिसे हम देंगे। प्रधानमंत्री मोदी के चादर भेजे जाने को फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रर ने देर से उठाया गया सही कदम बताया है। उन्होंने कहा इससे देश में धार्मिक सौहार्द बढ़ेगा। हाँ, मुझे ऐसे लगता है कि वो कुछ मुसलमानों में अच्छा मैसेज देना चाहते हैं और राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी, अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी चादर पेश की है, तो प्रधानमंत्री ने सोचा होगा कि हमारे देश में जब अमेरिका के राष्ट्रपति चादर पेश कर रहे हैं और भारत का प्रधानमंत्री ना पेश करे तो ये कुछ बात अच्छी नहीं लगती। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी उर्स के मौके पर चादर अजमेर शरीफ भेजी है। अजमेर के पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता सचिन पायलट सोनिया की चादर लेकर 23 अप्रैल को जाएंगे। अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 803वें उर्स के मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चादर दरगाह में पेश की गई। मंगलवार को उनके निजी सहयोगी शिव कुमार पारेख चादर लेकर दरगाह पहुंचे। इस मौके पर बीजेपी के कई दूसरे नेता भी मौजूद रहे। भारत रत्न वाजपेयी 1970 से हर साल दरगाह में चादर पेश करते आ रहे हैं। राहुल गांधी के सूट-बूट वाली सरकार के बयान पर बीजेपी ने करारा वार किया है। बीजेपी ने कहा है कि 10 साल लूट की सरकार चलाने वाले नसीहत ना दें। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में राहुल गांधी पर
सियासी वार की रणनीति बनी। वेंकैया नायडू ने उनके लोकसभा में दिए गए भाषण को शैतानी प्रवचन करार दिया। कांग्रेस पार्टी क्रिटिसाइजिंग द ऑर्डिनेंस रूट इज लाइक डेविल्स कोटिंग स्क्रिप्चर्स, देयर रिकॉर्ड इज वर्स्ट। इस विषय का हम जरूर तहकीकात करेंगे और अगर जरूर उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया है, मैं समझता हूं कि इससे निंदाजनक बात नहीं हो सकती और इस विषय को हम संसद के अंदर और संसद के बाहर भी उठाएंगे। प्रजातंत्र के मंदिर को कलंकित किया है अगर इन्होंने ऐसी बात कही। एक बार फिर संजय जोशी का पोस्टर सामने आया है। ये पोस्टर नागपुर के सीता बारदी इलाके में लगाया गया है। इसमें पूछा गया है, जब सबसे मन की बात होती है तो संजय जोशी को क्यों नहीं। पोस्टर में संजय जोशी की घर वापसी की मांग दोहराई गई है। इससे पहले दिल्ली गांधीनगर में भी ऐसे पोस्टर लगे थे। दिल्ली में संजय जोशी के जन्मदिन वाले पोस्टर पर तीन मंत्रियों को पार्टी आलाकमान से फटकार भी लगी थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज मेघालय के दौरे पर जा रहे हैं। उनकी इस यात्रा के खिलाफ एक प्रतिनिधिमंडल संगठन ने 12 घंटे के बंद का ऐलान किया है। कांग्रेस की आंतरिक चुनाव प्रक्रिया तेज हो गई है। इस कड़ी में पार्टी ने देश भर में पीआरओ नियुक्त किए हैं, साथ ही प्रदेश में रिटर्निंग ऑफिसर की भी नियुक्ति की गई है। पार्टी के संगठन के चुनाव सितंबर तक होने हैं। गुजरात के स्थानीय निकाय के उपचुनावों में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली है। सत्ताधारी पार्टी ने 38 में से 33 सीटों पर कब्जा जमाया है। इसमें राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की 2 सीटें भी शामिल हैं। झारखंड की बीजेपी सरकार भी आम आदमी पार्टी की राह पर चल पड़ी है। रघुवर दास सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक मोबाइल नंबर जारी करने का फैसला किया है। उस मोबाइल नंबर पर घूस मांगने वालों की जानकारी दी जा सकेगी, जिस पर सरकार कार्रवाई करेगी। साथ ही व्हाट्सएप और ईमेल आईडी भी राज्य के लोगों को सरकार देगी, जिसके जरिए भ्रष्ट अधिकारियों के वीडियो भेजकर उन्हें बेनकाब किया जा सकेगा। सोमवार की रात पोरबंदर में पकड़ी गई पाकिस्तानी वोट के बारे में सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। 232 किलोग्राम हीरोइन के साथ ये वोट कराची से चली थी और इसकी मंजिल मुंबई थी, लेकिन इससे पहले कि अरब सागर में कोस्ट गार्ड और भारतीय नौसेना ने इसे पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक 600 करोड़ के नशीले पदार्थ से लदी बोट पाकिस्तानी नेवी के संपर्क में थी। जब कोस्ट गार्ड के सिप ने इसे घेरा तो इस बोट पर सवार पाकिस्तानी तस्करों ने सैटेलाइट फोन से पाकिस्तानी नेवी की शिप से मदद मांगी। पाक नेवी का शिप मदद के लिए आया, लेकिन भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड के जहाजों को देखकर वापस चला गया। 7 साल के लंबे अंतराल के बाद अलग अलग हुए अलगाववादी नेता एक साथ एक मंच पर नजर आए। गिलानी, यासीन मलिक और मीरवाइज उमर फारूक पुलिस फायरिंग में मारे गए युवक के घर नारवल एक साथ पहुंचे। घर वालों से मुलाकात के बाद तीनों नेताओं ने एक रैली को भी संबोधित किया। संसद भवन के परिसर में कई सीसीटीवी कैमरे खराब हैं। संसद के 12 गेट पर सुरक्षा और बढ़ाने की जरूरत है। देश की सबसे सुरक्षित इमारत की सुरक्षा को लेकर बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस पर चिंता जताई है। इस समिति में बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह, आरके सिंह और बीजेपी में शामिल हो चुके राजस्थान के एक पूर्व डीजीपी शामिल हैं। 3 सदस्यों की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को सौंपी है, जिसमें कुछ कमियों को दूर करने की सलाह दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष ने ये रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेज दी है। दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो ने जल बोर्ड के चीफ इंजीनियर समेत 5 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। उन आरोपियों में से 2 दिल्ली जल बोर्ड के सहायक इंजीनियर हैं। उन सभी पर फर्जी बिल बनाकर फंड निकासी का आरोप लगा है। बताया जाता है कि गिरफ्तार आरोपियों ने 2013 में गीता कॉलोनी और मंडावली इलाके में पाइपलाइन और सीवेज की मरम्मत को लेकर फर्जी तरीके से ठेके दिए और बगैर काम के भुगतान भी कर दिया। रोहतक के इंजीनियरिंग कॉलेज से निकाले जाने के मामले में कश्मीरी छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मामले में दखल देने की गुहार लगाई है। छात्रों ने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी और जम्मू कश्मीर सरकार को भी चिट्ठी लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। रोहतक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट ने 13 छात्रों को निकाल दिया था। दिल्ली के जामिया नगर इलाके के शाहीन बाग में बीती रात इरशाद नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक सैलून चलाता था। हत्या का आरोप
फयाम नाम के लड़के पर है। आरोपी पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल हत्या का केस दर्ज कर पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। अंबाला में एक नवी क्लास के छात्र की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। आरोप है कि 7-8 आरोपियों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की। उसमें हरियाणा पुलिस अधिकारियों के 2 बेटे भी शामिल हैं। आरोपी पीड़ित छात्र से 50,000 रुपए की फिरौती की मांग कर रहे थे, लेकिन छात्र ने रुपए देने से इनकार कर दिया था। इसी से नाराज बदमाशों ने तलवार चाकू से हमला कर दिया। वारदात 15 अप्रैल की है। उन्होंने मारपीट की वीडियो भी बनाई। अब घर वालों को FIR से नाम वापस लेने की धमकी दे रहे हैं। इस मामले में अभी तक 2 आरोपी गिरफ्तार हैं। पंजाब के बटाला में दहेज मांगने पर लड़की ने द्वार से अपने बारात लौटा दी। उसने खुद ही परिजनों के साथ थाने पहुंचकर केस दर्ज करा दिया। पुलिस लड़की के बयान दर्ज कर जांच में जुट गई है। यूपी के मुरादाबाद संभल हाईवे पर एक बाइक सवार ने कार के ड्राइवर की हॉकी स्टिक से जमकर पिटाई की। बताया जाता है कि कार चालक ने बाइक वाले को साइड नहीं दी थी। इसी से नाराज युवक ने कार को रोककर ड्राइवर पर हमला कर दिया। कार में सवार महिलाएं चीखती चलाती रही। देर तक चले हंगामे के बाद आरोपी फरार हो गया। राजस्थान के धौलपुर में जेब काटने के आरोपी की लोगों ने जमकर पिटाई की, उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। लोगों के मुताबिक आरोपी ने 150 रुपए युवक के जेब से उड़ा लिए। उस वक्त भीड़ ने उसे दबोच लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और उसे अपने साथ थाने ले गई। मध्य प्रदेश के बैतूल की बीजेपी सांसद ज्योति धुर्वे के बेटे पर जानलेवा हमला हुआ। प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री को लेकर हुए विवाद में सांसद के बेटे पर एक ढाबे पर 8 लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस ने 5 नामजद और 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रांची के इटकी इलाके में 2 बसों की सीधी टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। हादसे में 20 से 25 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें रिम्स के अलावा आसपास के अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। कोलकाता में होनहार क्रिकेटर की मौत मामले में उसका पूरा परिवार सदमे में है। अभी तक BCCI की ओर से परिवार वालों को कोई मदद नहीं की गई है। इस मसले पर घर वालों ने नाराजगी जाहिर की है। सोमवार को अंकित नाम के क्रिकेटर की मौत हुई थी। पंजाब के संगरूर में एक किसान ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि बारिश से बर्बाद हुई फसल के चलते तनाव में आकर उसने जहर खा लिया। परिवार वालों के मुताबिक 40% फसल बर्बाद हो गई। जो बाकी फसल है वो अभी तक मंडी में नहीं बिक पाई है। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बिहार के समस्तीपुर में एक महिला ने कर से उभरने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। बच्चे की कीमत लगी 19,000 रुपए। महिला ने 15,000 का लोन लिया था। उसी को चुकाने के लिए उसने 11 महीने के बच्चे को बेच दिया और अपने 2 बेटों को लेकर लापता हो गई। वैसे शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने बच्चे को बरामद कर लिया। साथ ही बच्चे को खरीदने वाली महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। राजस्थान के कोटा में वन विभाग के अधिकारियों ने 3 दिन पहले 13 फीट लंबे कोबरा को एक सपेरे से बरामद किया। इसका वजन 31 किलो है। आरोपी ने इसे 16,000 में खरीदा था। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कोबरा को अहमदाबाद या दिल्ली भेजने की तैयारी है, क्योंकि राजस्थान के किसी चिड़ियाघर में उसके लायक इंतजाम नहीं है। इस मामले में कल आरोपी सपेरे को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। हिमाचल के रोहतांग में डीजल वाहनों की आवाजाही पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रोक लगा दी है। पर्यावरण को हो रहे नुकसान और बढ़ते प्रदूषण को लेकर ट्रिब्यूनल ने सख्त रुख अपनाया है। ये पाबंदी 1 मई 2015 से लागू हो जाएगी। NGT के इस आदेश के बाद हजारों पर्यटक डीजल गाड़ियों से रोहतांग टॉप नहीं जा पाएंगे। इस वक्त मनाली टैक्सी यूनियन में करीब 2200 गाड़ियां हैं, जिनमें 1400 के करीब गाड़ियां डीजल से चलती हैं। अक्षय तृतीया के मौके पर राजस्थान के धौलपुर में बाल विवाह के 3 मामलों को प्रशासन ने रुकवा दिया। पहले ही राज्य सरकार ने बाल विवाह पर पाबंदी का आदेश जारी किया था। ऐसे में कानून तोड़ने वाले परिजनों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही कल 4 धाम यात्रा का शुभारंभ हो गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हरीश रावत और उत्तराखंड के कई मंत्री भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री ने माँ गंगोत्री और यमुनोत्री की डोली को स्वयं मंदिर रवाना किया। इस कार्यक्रम के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद थे। आईपीएल सीजन 8 में अब तक का सबसे रोमांचक मुकाबला कल हुआ। पंजाब ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए राजस्थान का विजय रथ रोक दिया। जीत हार का फासला सुपर ओवर के जरिए हुआ। पहले राजस्थान ने खेलते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 191 रन बनाए। जवाब में पंजाब ने स्कोर टाई कर दिया। अब सुपर ओवर का इंतजार था। सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने 15 रन बनाए। इसके जवाब में राजस्थान 6 रन ही बना सका। आईपीएल सीजन 8 में पहली बार सुपर ओवर से मैच का फैसला हुआ। पंजाब की जीत के नायक रहे मार्श। उन्होंने 40 गेंद में 65 रनों का योगदान दिया। डेविड मिलर ने भी 30 गेंदे खेलकर 54 रन जड़े। राजस्थान की ओर से अजिंक्य रहाणे ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। 54 बॉल में उन्होंने 74 रन बनाए। शेन वॉटसन ने भी 45 रनों का योगदान दिया। आज आईपीएल में दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा। विशाखापट्टनम में शाम 6 बजे पहला मैच खेला जाएगा। वहीं दूसरा मैच रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। ये मैच रात 8 बजे से बैंगलोर में खेला जाएगा।